अपने दर्शकों को भी एक और बड़ी बिग ब्रेकिंग दे देते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम खबर है, जहां पीएम मोदी 8 जून को शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी 8 जून को शपथ ले सकते हैं। सियासी हलचल के बीच शपथ ग्रहण की खबर भी सामने आ रही है, शाम 7 से 8 बजे तक शपथ ग्रहण हो सकता है। इस वक्त अहम खबर आपको बता दें, जहां सियासी हलचल के बीच शपथ ग्रहण की भी खबर सामने आ रही है, 7 से 8 बजे तक शपथ ग्रहण हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव से बड़ी अहम खबर है, एक तरफ मीटिंग आज चल रही है, दूसरी तरफ सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है एनडीए, तो दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि नई सरकार के गठन से जुड़ी हुई अहम खबर है। स्पर्श शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। स्पर्श, आप जिक्र भी कर रहे थे कि हो सकता है कि पीएम जो है वो जल्द से जल्द शपथ ग्रहण कर लें, तैयारियां भी हो रही हैं। देखिए बिल्कुल तैयारियां हो रही हैं, राष्ट्रपति भवन में तैयारियां हो रही हैं, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, कोई मौका जो है विपक्ष को ना दिया जाए जो है टाइम गेन करने का, इसको लेकर जो है जो बीजेपी या फिर कहें कि एनडीए जो है वो जल्द जो है दावा पेश कर सकती है एनडीए की बैठक के बाद में सरकार बनाने का। और जो पुख्ता सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 8 जून को लगभग 8 बजे के आसपास जो प्रधानमंत्री हैं वो जो है शपथ लेते हुए जो है नजर आ सकते हैं, यानी नई सरकार का जो गठन है वो जो है 8 जून को देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये जो है फिलहाल पुख्ता सूत्रों के हवाले से जानकारी जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही है। राष्ट्रपति भवन में जो है कल ही जो प्रेस सेक्रेटेरिएट की तरफ से जो नोट आता है उसमें कह दिया गया था कि 5 तारीख से 9 तारीख तक राष्ट्रपति भवन जो है बंद रहेगा जो है तमाम तरीके की तैयारियों के लिहाज से। और इस बीच अब जो पुख्ता सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक 8 तारीख को जो नई सरकार का गठन है, यानी जो नए प्रधानमंत्री हैं वो शपथ लेते हुए जो है नजर आ सकते हैं। और इसको लेकर जो आज एनडीए की बैठक होने वाली है उसमें जो है दोनों जो तमाम सहयोगी शामिल होते हुए नजर आएंगे, उनसे जो है एक तरीके पूरी तरह से मीटिंग के बाद डिसाइड होगा क्या कुछ होने वाला है। हालांकि एनडीए एक तरफ बैठक करने जा रही तो दूसरी तरफ आईएनजीआईबी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए स्पर्श।